नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। आज कमोडिटी बाजार का हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, सोमवार का दिन है। चर्चा होगी कि कमोडिटी बाजार बंद होने से पहले किन कमोडिटीज में तेजी देख सकती है और आने वाले समय में कमोडिटी बाजार का हाल कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोना देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में $1853 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। वहीं सिल्वर भी $22 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सुबह वाले लेवल्स पर ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। ना ही ज़्यादा तेजी बनी है सुबह के मुकाबले, ना ही ज़्यादा मंदी। आपको बता दें कि डॉलर में हल्की सी नरमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर गोल्ड में हल्की फुल्की तेजी आते हुए देखी है। दूसरा, यहाँ पर अब फिर से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है अब फिर से बैठक करेगा, जिसमें वो फिर से एक बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। अभी इसी को लेकर स्पेकुलेशन बाजार में ज़्यादा तेज हो गए हैं, जिसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी रेट है गोल्ड सिल्वर और डॉलर के बीच वो ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कभी गोल्ड सिल्वर में हल्की नरमी तो हल्की तेजी देखने को मिलती है। यही कारण है कि गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं अभी उठापटक के साथ कारोबार करते नज़र आ रहे हैं। दूसरा, हमने यहाँ पर गोल्ड की थोड़ी डिमांड बढ़ती हुई देखी है। शादी ब्याह का सीज़न है, शादी ब्याह में हम देखते हैं कि गोल्ड एक अपनी अलग अहमियत रखता है, जिसकी वजह से गोल्ड का जो गोल्ड की जो परचेजिंग है, जो खरीदारी है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है शादी ब्याह के सीज़न में। इसकी वजह से भी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। तो ओवरऑल रुझान गोल्ड सिल्वर में लंबी अवधि में तेजी वाला ही है। अभी हाल फिलहाल में जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में यहाँ पर उठापटक यानी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल सुबह हमने $116 पर कारोबार करते देखा था जब मार्केट खुली थी। WTI की बात करें या फिर ब्रेंट की, दोनों ही $116 पर ट्रेड करते नजर आए थे। वहीं WTI अभी कुछ 50 सेंट की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, हालांकि $115 के आसपास ही है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल $116 पर, हरे निशान पर ही दोनों तेल ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। दो महीने की ऊंचाई पर कच्चे तेल का दाम पहुँच चुका है इस समय इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। आपको बता दें कि अभी स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है मार्केट में, इस चीज़ को लेकर सट्टेबाजी ज़्यादा तेज हुई है कि यूरोपियन यूनियन रशिया के तेल पर बैन लगाएगी, या फिर जो चाइना अपनी इकोनॉमी से रिवाइव हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, लॉकडाउन से बाहर निकल के सामने आ रहा है, उससे डिमांड बढ़ जाएगी। इन दोनों चीज़ों को लेकर अभी जो सट्टा बाजार है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, स्पेकुलेशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसी की वजह से हम कच्चे तेल में यहाँ पर उछाल आते देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो कच्चे तेल में उछाल वाले हैं। और अगर दोनों ही ऐसे ही बने रहते हैं तो कच्चे तेल में जो तेज़ी का जो सिलसिला है ये भी कुछ समय तक और ऐसी देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ पर अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हमने यहाँ पे डॉलर में नरमी की वजह से बेस मेटल्स में यहाँ पे हल्की सी बढ़त बनते देखी है। फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो फ्यूचर बेस मेटल्स का पॉजिटिव ही है, चाहे निकल हो, आयरन हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, सभी बेस मेटल्स में तेजी का रुझान ही है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अभी हाल फिलहाल में भले ही $8.8 पर 1.5% की एक फीसद की तेज़ी के साथ कारोबार करती नज़र आ रही हो नेचुरल गैस, लेकिन अभी जो वेदर कंडीशन है आने वाले कुछ हफ्तों तक ऐसी नरम वाली बनी रह सकती है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं उनमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस का जो बाज़ार है वो टोटली जियोपॉलिटिकल टेंशन और अभी वेदर कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से नेचुरल गैस को निचले स्तर पर सपोर्ट है, वहीं वेदर कंडीशन की वजह से ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी बनती नज़र आ सकती है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की, जानेंगे कि अब एग्री कमोडिटीज़ का बाज़ार कैसा रह सकता है। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले सोयाबीन से। तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि अमेरिकी सोयाबीन वायदा $1732 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। सो US सोयाबीन वायदा को हमने कुछ दिन पहले ही 1600 से 1700 के लेवल्स के बीच में ट्रेड होते हुए देखा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अमेरिकी सोयाबीन वायदा है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भारत में भी जो सोयाबीन दाना है पिछले साल के मुकाबले इस बार उसकी कीमत थोड़ी कम रही है, लेकिन जो सोयाबीन तेल है उसके दामों में ज़्यादा तेजी है। सोयाबीन प्लांटों के दामों में नरमी तो तेलों में उल्टा हिसाब है, सोयाबीन तेल के जो दाम है उनमें तेजी बनती नज़र आ रही है, क्योंकि बाकी खाद्य तेलों में जो तेजी का रुझान बना है उसकी वजह से सोयाबीन तेल की कीमतों को यहाँ पर सपोर्ट मिलता नज़र आया है।
वहीं सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का जो खल है सरकार ने आयात की अनुमति दे दी थी पोल्ट्री इंडस्ट्री को अभी कुछ समय पहले ही, जिसकी वजह से हमने सोयाबीन में यहाँ पर हल्की नरमी आते हुए भी देखी। और इस बार ऐसी अटकलें हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सोयाबीन का जो उत्पादन होगा इस बार, जो बुआई होगी कुल मिलाकर ऑल ओवर तिलहन की ऑयल सीड्स की, वो ज़्यादा रह सकती है और सोयाबीन का भी जो रकबा है वो ज़्यादा बढ़ा बढ़ता नज़र आ सकता है। और अगर रकबा ज़्यादा रहेगा तो उत्पादन ज़्यादा रहेगा। अभी ऐसी हाल फिलहाल में अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी मानसून पूर्ण रूप से अभी भारत उत्तर भारत की ओर नहीं आया है पूर्ण रूप से। अभी मानसून पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि साल 2021 में हमने देखा था कि सोपा का अनुमान तो आ गया था कि 119 लाख टन रहने का अनुमान है, लेकिन जो व्यापारी अनुमान था और जो किसानों का अनुमान था वो सरकारी अनुमान से काफ़ी कम था। उनका ये कहना था कि जो भारी बारिश है उसकी वजह से सोयाबीन की जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, दागी फसल हुई है, इसकी वजह से सोयाबीन का जो उत्पादन है वो घटा है। हालांकि आंकड़ों पर किसानों ने और व्यापारियों ने असंतोष जताया था कि जो ज़्यादा आंकड़े हैं जो जारी किए जा रहे हैं इसकी वजह से सोयाबीन का जो बाज़ार और भाव है दोनों ही गिरते नज़र आ रहे थे। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं थोड़े कुछ मेंटेन ज़रूर हुए हैं, क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी जो सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम रहा है इस बार पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। और ग्लोबली भी देखा जाए तो पूरे ग्लोबली सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो कम है। वहीं चाइना से सोयाबीन की जो खपत है थोड़ी वो घटी है, डिमांड घटी है, इसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन का जो बाज़ार है वो थोड़ा नरम वाला देखने को मिला है। लेकिन अमेरिकी सोयाबीन वायदा में यहाँ पर हमने बढ़त बनते हुए देखी है, यहाँ पर तेज़ी आते हुए देखी है। तो कुल मिलाकर अभी खाद्य तेलों की अब पूरे खाद्य तेलों के पैक की बात की जाए तो खाद्य तेलों में अब ये खबर निकल के सामने आई है कि जो रशिया है वो यूक्रेन से जो खाने के तेल के जाने वाले जहाज़ हैं उनको मानवीय गलियारा प्रदान कर सकता है, यानी कि कुछ परमिशन दे सकता है। तो इस खबर की वजह से भी जो बाज़ार है इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों का वो उस पर हमने दबाव बनते हुए देखा। दूसरा, इंडोनेशिया ने यहाँ पर अपना निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है सीपीओ के ऊपर से फिर से, जिसकी वजह से इंडोनेशिया से भारत में सीपीओ का आयात होने लग गया है। और ये बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया से जो सीपीओ का आयात हुआ है भारत में वो जून के मध्य तक पहुंचेगा, और जानकारों के अनुसार जून के मध्य तक खाद्य तेलों में यहाँ पर गिरावट बनती नज़र आ सकती है। तो अगर यूक्रेन से खेप आती है और सीपीओ की इंडोनेशिया से आती है और सप्लाई में थोड़ा इजाफा होता है तो ऐसे में खाद्य तेलों का जो बाज़ार है वो यहाँ पर टूटता नज़र आ सकता है। सिर्फ खाद्य तेल ही नहीं, तिलहन फसलों का भी जो बाज़ार है उसमें नरमी देखी जा सकती है, लेकिन जो नरमी रहेगी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिखाई देती है, ऐसा जानकारों का मानना है। बात करेंगे यहाँ सब गेहूं के बाज़ार की, तो गेहूं के बाज़ार पर हमने काफ़ी सारे फैसले आते हुए देखे हैं। सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जो वैश्विक सप्लाई रुकी थी गेहूं की, उसकी वजह से जो निर्यात बढ़ा था भारतीय गेहूं का उसमें हमने उछाल आते हुए देखा। इस बार का जो एक्सपोर्ट बताया जा रहा है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सरकार ने हालांकि ज़्यादा अनुमान लगाया था कि इतना निर्यात हो सकता है वीट का, लेकिन उतना नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने उससे पहले ही यहाँ पर निर्यात पर रोक लगा दी। अब सरकार का ये कहना है कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं वो किसानों को मंडियों में जाने से पहले ही किसानों से उनके घर जाकर गेहूं खरीद ले रहे थे महंगे दाम देकर, एमएसपी से ज़्यादा देकर, जिसकी वजह से जो किसान हैं उन्होंने अपना सारा माल बड़े व्यापारियों को बेच दिया और बड़े व्यापारियों ने उसका स्टॉक कर लिया, और स्टॉक करने के बाद जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उसको ज़्यादा दामों में विदेश निर्यात करने लगे। तो जो निर्यात हो रहा था भारतीय गेहूं का वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा था और अनियंत्रित तरीके से हो रहा था। ऐसे में ये खबर भी है कि इस बार जो गर्म वक्त से पहले गर्म हवाएं चलने लग गई थी, लू चलने की वजह से भारतीय गेहूं का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है, 10.64 करोड़ टन के आसपास रह सकता है भारतीय गेहूं का उत्पादन इस बार, ऐसी अभी अनुमान लगाया गया है सरकार द्वारा। तो पिछले साल के कम अनुमान और ज़्यादा निर्यात होना और अनियंत्रित तरीके से होना, उस पर कोई किसी का नियंत्रण ना होना, तो इसकी वजह से इसको काबू में करने के लिए
कहीं सरकार को ये लग रहा था कि कहीं भारत में भी गेहूं की किल्लत ना पड़ जाए और भारत को कहीं दोगुने दाम पर गेहूं का आयात ना करना पड़ जाए दूसरे देशों से अपना गेहूं बेचने के बाद, तो इसलिए भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। भारत सरकार का कहना है कि भारत की जनता भारत सरकार के लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले भारत की जनता आती है, उसके बाद बाकी देश आते हैं। इस पर काफ़ी सारे मंत्रियों का बयान भी आया है कि भारत सरकार ने क्यों किया है, और रीज़न सबका यही था कि भारत सरकार नहीं चाहती कि भारत में किसी भी प्रकार की गेहूं की कोई किल्लत देखने को मिले, क्योंकि जो निर्यात हो रहा था भारतीय गेहूं का वो बड़े पैमाने पर हो रहा था, एक्सपोर्ट डिमांड ज़्यादा थी वीट की, इसकी वजह से जो आटे के दाम थे वो भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो इन सब को रोकने के लिए भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, लेकिन अभी भी जो ज़्यादातर माल है वो बड़े व्यापारियों के पास है और उन्होंने अपना माल स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि निर्यात रुकने के बाद गेहूं के जो प्राइसेस हैं उसमें नरमी आई थी और जो एक्सपोर्टर जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने ज़्यादा कीमत देकर किसानों से माल खरीदा था, तो इसलिए उन्होंने अभी माल इतना नहीं निकाला है। तो यही वजह है कि गेहूं वीट के जो प्राइसेस हैं अभी भी मंडियों में और बाज़ारों में वो ज़्यादा बने हुए हैं, पहले के मुकाबले थोड़े कम ज़रूर हुए हैं लेकिन अभी भी ज़्यादा ही हैं। वहीं वैश्विक गेहूं की बात करें तो वैश्विक गेहूं यानी ग्लोबल वीट के जो प्राइसेस हैं उनमें अभी भी बढ़त ही देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी ऐसा कोई देश सामने नहीं आ रहा है जो भारत की जगह ले सके, जो भारत के जैसे गेहूं की सप्लाई बाकी देशों को कर सके, अभी तक ऐसा कोई दूसरा देश निकल के सामने नहीं आया है। इसलिए जो ग्लोबल वीट प्राइसेस हैं उनके जो दाम हैं उनमें तेज़ी ही देखने को मिल रही है। बात करेंगे यहाँ से अब वायदा बाज़ार की कैस्टर सीड की, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कैस्टर में देख रहे हैं कि 7,300 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आज हमने कैस्टर में 3.5% की ऊपरी स्तर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनते देखिए, मुनाफा वसूली बनते देखिए, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि जो कैस्टर सीड है वो 7,600-7,700 तक भी ट्रेड करता नज़र आ चुका है और वहाँ पर सस्टेन भी रहा कुछ दिनों तक, और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ये लगभग एक हफ्ते तक कैसे सीड के ऊपरी स्तर पर सस्टेन होने के बाद आई है। आपको बता दें कि कैसे सीड के जो फंडामेंटल्स हैं ओवरऑल तेज़ी वाले ही हैं, कैसे का जो उत्पादन है कम रहेगा, और दूसरा अभी कैसर की जो डिमांड थी जब तक चाइना मार्केट में नहीं था तब तक लो ही देखने को मिल रही थी, लो डिमांड देखने को मिली थी। अब खबरें आ रही है कि चाइना फिर से मार्केट में वापसी करने वाला है, लॉकडाउन खुलने वाला है, 1 जून से पूर्ण रूप से चाइना में लॉकडाउन खुल जाएगा ऐसी खबरें हैं, और जब चाइना पूर्ण रूप से मार्केट में आ जाएगा तो कैसर की जो डिमांड है जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें एकदम से तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कैसर की कीमतों को आगे 8,000 तक भी लेके जा सकती है। बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों पे यहाँ पे हमने नरमी बनते हुए देखी है। मसालों में एक नरमी की वजह है कि ऊपरी स्तर हमने मसालों में हमने पहले से ही तेज़ी आते हुए देख ली है, तो ऊपरी स्तर पर ज़्यादा महंगे दामों पर हर कोई मसालों का स्टॉक करने से बच रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड भी इसलिए इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा ये जो अराइवल्स हैं मंडियों में कुछ ज़्यादा देखने को मिली है, इसकी वजह से भी मसालों में यहाँ पर नरमी आते हुए देखी है। तो ये जो दो मेजर फैक्टर्स हैं अभी हाल फिलहाल में ये मसालों के बाज़ार पर हावी होते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर प्रोडक्शन की साइड से देखा जाए, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो धनिया और जीरा दोनों का ही प्रोडक्शन भारत में इस साल कम है। चाइना भी जीरे का बड़े पैमाने पर आयात करता है भारत से, और अगर भारत में कम रहेगा तो चाइना में भी जो जीरे के जो प्राइसेज है उनमें तेज़ी देखने को मिलेगी। दूसरा धनिया के मामले में हमने देखा था कि अभी पीछे बल्गेरिया हो गया और एक और देश था वहाँ पर धनिया के जो प्राइसेस थे वो उतने वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी, और उन देशों का जो स्टॉक था धनिया की आपूर्ति धनिया की डिमांड के लिए वो पर्याप्त नहीं था। तो धनिया का भी जो स्टॉक है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक और प्रोडक्शन कम ही है जीरे की तरह, तो इन दोनों मसालों में लंबी अवधि में तो तेजी है, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर डिमांड में इतना अभी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल पा रही है। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि 2800 से 2900 की रेंज में अभी स्टक हो रहा है। बिनौला खल में हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि एक रेंज बनते हुए देखी है, प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखी है। 2900 के ऊपर तक तो सुबह सस्टेन था बिनौला खल, लेकिन यहाँ पर शाम में देख रहे हैं कि 2800 से 2900 की रेंज में ही स्टक होके रह गया है। आपको बता दें कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिनौला खल तेज़ी की ओर है,
बिनौला खल अगर हाजिरी की बात की जाए तो हाजिर बाजार में बिनौला खल यानी कॉटन सीड ऑयल के जो प्राइजेज हैं वो तेजी वाले ही हैं। जैसे कि दूध का प्रोडक्शन घटना, पशु चारे पे कम निवेश होना, पशु चारे की जो प्राइसेज हैं वो बढ़ जाना, दूसरा मोटे अनाजों की जो प्राइसेज हैं वो बढ़ जाना, जैसे कि मक्का हो गया, सोयाबीन हो गई, तो खल के और मोटे अनाजों के जो दाम हैं वो भी बढ़ने की वजह से बिनौला खल को हाजिर में मजबूती मिली है। लेकिन इस बार फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में इस बार हम उल्टा होते हुए देख रहे हैं कि जो बिनौला खल है उसके दामों में यहाँ पर नरमी आ रही हो। जानकारों का तो यही कहना है कि वॉल्यूम्स यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं बिनौला खल के, थोड़ा पार्टिसिपेशन यहाँ पर बिनौला खल में कम हुआ है फ्यूचर्स में, जिसकी वजह से बिनौला खल में NCDX पर ज़्यादा तेजी बनती नज़र नहीं आ पा रही 3400 का लेवल टच करने के बाद। वहीं पर कॉटन की में देख रहे हैं कि कॉटन M6 कॉटन में जो गिरावट है वो थोड़ी और ज़्यादा गहरा गई है। 45 से 46,000 की रेंज थी, अब 46,000 की रेंज टूट चुकी है। 45,000 तक हम इसको कारोबार, अब 45,000 की रेंज में हम M6 कॉटन को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि M6 कॉटन की जो प्राइसेज हैं वो थोड़े अभी और करेक्ट होंगे, इनमें थोड़ी अभी और करेक्शन आएगी, क्योंकि जो साउथ में जो मिल्स हैं कॉटन की, उन्होंने ज़्यादा दामों बढ़ने के चलते कॉटन के, कपास के, उन्होंने अपनी मिल्स बंद कर दी हैं, क्योंकि उनके पास अब इतना पैसा भी नहीं बचा है, इतना गुंजाइश ही नहीं है कि ऊपरी स्तर पर कपास की बड़े पैमाने पर खरीदी की जा सके। अभी अगर विदेशों की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन के प्राइसेस में ज़रूर तेज़ी है, ISX हो गया, बाकी जितने भी एक्सचेंजेस हैं सभी में ही कॉटन के जो प्राइसेस हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है, डिमांड भी अच्छी खासी है। और इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि खरीफ में इस बार जब अक्टूबर में जब नया माल आएगा कॉटन में, कॉटन का तो जो माल आएगा वो बम्पर होगा, क्योंकि इस बार कॉटन का जो उत्पादन है ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि किसानों को बाकी फसलों के मुकाबले कपास के जो दाम हैं ज़्यादा मिले थे, क्योंकि 2021 में हमने देखा था कि गुलाबी सुंडी यानी पिंक बॉलवॉर्म आर्मी के चलते, कीटों के चलते कॉटन के जो फसलें थीं वो ख़राब हुई थी, इसकी वजह से किसानों को कम सप्लाई और ज़्यादा डिमांड के चलते जो प्राइसेस थे अच्छे मिले थे, इसलिए इस बार बाकी फसलों की रुझान की बजाय जो किसान हुए हैं वो कॉटन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और कॉटन का बुआई का रकबा इस बार बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से कॉटन में इस बार हम बम्पर प्रोडक्शन भी देखेंगे। लेकिन वेदर कंडीशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है, देखने वाली बात होगी कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा हुआ है पिछले कई सालों से, जिसकी वजह से कॉटन की जो क्रॉप है कई सालों से लगातार ख़राब होती नज़र आ रही है, तो इस बार कितना प्रकोप रहता भी है या नहीं रहता है ये मानसून पर भी काफ़ी डिपेंड करेगा। वहीं ग्वार की बात करें तो ग्वार गम, ग्वार सीड हमने यहाँ पर ऊपरी स्तर पर एक सीमित दायरे में कारोबार होते देख रहे हैं। कुल मिलाकर जो लॉन्ग टर्म में जो रुझान बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है ग्वार गम ग्वार सीड का पॉजिटिव बताया जा रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं जिसकी वजह से क्रूड में कभी मंदी तो कभी तेज़ी बनती है, उसका भी असर ग्वार गम ग्वार सीड के प्राइसेस पर पड़ता है। दूसरा, अगर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस बार ग्वार का जो प्रोडक्शन है कम बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल इस बार ग्वार की जो बुआई होगी कम बताई जा रही है, क्योंकि पिछले साल ग्वार के जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी बुआई के समय, जिसकी वजह से ग्वार की जो बुआई है नहीं हो पाई थी और प्रोडक्शन कम रहा था। इस बार भी प्रोडक्शन कम ही रहने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लॉन्ग टर्म में ग्वार गम ग्वार सीड पॉजिटिव हैं। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और जानकारों की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।